ते मैं एक बेनती करा, संगरांद, मस्या, लोहड़ी, पूर्णमासी आदिक दिन एक लंघदा ते अगला याद हुंदा, पर भागां वाले अज एक इतिहासिक दिन होर भी है, शायद बहुतियां नूं याद ना होवे। अज एक होर भी इतिहासिक दिन है जिहदा सिख रहत मर्यादा विच जिस योधे का नाम आया, सिख रहत मर्यादा के मुताबक कीती हुई अरदास विच जिन्हां योधियां बारे संकेत आए ने, अज एक बहुत वडमुला इतिहासिक दिन भी है। अज के दिन शायद बहुत सिखां ने जदों घरों तैयारी की होएगी भी अज गुरुद्वारे संगरांद वाले दिन मत्था टेकाइए, शायद साढ़े मना च वह महान इतिहासिक दिन बारे कभी ख्याल भी ना होवे। अज महान इतिहासिक दिन है, सत्कारयोग भाई तारू सिंह जी तिन्हां दी शहादत का अज दिन है, शहादत का दिन है। भाई तारू सिंह जिन्हां दा केसां दे समेत खोपर उतारिया गया, पर कौन समझावे जी कि जिहड़े साढ़े इतिहासिक दिन सन, वडमुले इतिहासिक दिन सन, साढ़े मनां विचों भुला दित्ते। दिवाली एक लंघदी है दूजी चेते हुंदी है, लोहड़ी एक लंघदी है दूजी चेते हुंदी है, रखड़ी एक लंघदी दूजी चेते हुंदी है, पर जिहड़े गौरवमई इतिहासिक दिन सन पता भी नहीं होना भी भाई तारू सिंह कौन है। जे घर पुत्र पुछे भी कौन है, आओ संखेप इतिहास अज दे महीने दे इस पावन शब्द की विचार करदिआं करदिआं नाल नाल सत्कारयोग भाई तारू सिंह दे जीवन दे विचों कुछ उन्हां दीआं जीवन घटनावां नूं सांझियां करिए। भाई तारू सिंह कौन ने? माझे की धरती ते एक पिंड है जिसका नाम पूला है, उस पिंड दे जंपल ने भाई तारू सिंह जी। कोई गुनाह नहीं है भाई तारू सिंह दा जिहड़ा उन्हां दा खोपर उतारिया गया है। 1745 ईस्वी दे विच जुलाई महीने च भाई तारू सिंह जी शहादत का जाम पींदे ने। इतिहास मुताबक उन्हां दी उम्र 20 साल बनती है। जन्म की डेट विद्वाना वालों कन्फर्म नहीं है, कोई डेट वक्री वक्री दसदे, पर 25 साल की समुची उम्र है। हुण कई 25 साल के नौजवान वीर घरां च बैठे श्रवण कर रहे होणगे, पर किड्डी कमाल की घटना भाई तारू सिंह की। 1745 ईस्वी के जुलाई महीने च भाई तारू सिंह की शहादत का जाम पींदे ने। पिंड पूला डिस्ट्रिक्ट जिहड़ा है वह इस वक्त तरन तारण है, पहला डिस्ट्रिक्ट अमृतसर सी माझे की धरती से। कोई गुनाह नहीं है भाई तारू सिंह का। संखेप घटना मैं बयान करा, जाफर बेग पट्टी का सूबेदार है, जाफर बेग लोगों पर जुलूम भी करता है, अत्याचार भी करता है, कहर भी कमाता है। उस इलाके का एक गरीब माछी है जिसका नाम रहीम बख्श करके आता है। रहीम बख्श माछी है, माछीदार तो जरा पानी लोगों के घर सप्लाई करता है। हुण तां साडे घरां च पानी के प्रबंध ने, टूटियां लगियां ने, वो माछी लोगों घर पानी दे के आता सी। रहीम बख्श माछी उहदी 16 साल की धी जिहदा नाम सलमा करके आता है। रहीम बख्श भी मुसलमान है, इस घटना नूं ध्यान नाल सुनना भागां वालिओ, रहीम बख्श भी मुसलमान है ते जाफर बेग भी मुसलमान है। जाफर बेग ने की किया, जाफर बेग उस नवाब ने रहीम बख्श की धी सलमा नूं जबरदस्ती चुक के अपने महलां च लै गया कि मैं अपनी बेगम बनाउणी है। इस संसार ते इदां हुंदा, वड्डे वड्डे जिहड़े अमीर लोग ने उहनां दे गुनाह छुप जांदे ने, उहनां दे गुनाह ढके जांदे ने। रहीम बख्श नूं पता लगा, तरले लैण वास्ते पहुँच गया, जाके तरला लिया। जाफर बेग मेरी 16 साल की धी इहनूं छड्ड दे, ना अत्याचार कर, दोवें मुसलमान, इह वी मुसलमान है, उह वी मुसलमान है। कहण लगे जाफर बेग ने कोई रहम नहीं किया, धक्के मार के अपने महलां विचों बाहर कर दिता। रहीम बख्श लाहौर पहुंचिया, जाके जकरिया खान के दरबार में गिड़गड़ाया, तरले लै कुरलाया, चीकिया, दवाई पै रहा की कि मेरी धी 16 साल की है, उहदी इज्जत बचाओ जी। जिहड़ा नवाब है, पट्टी का नवाब जाफर बेग को जबरदस्ती मेरी धी नूं चुके लै गया। हुण जिहड़े वड्डे सरकारी अफसर रले होण, कौन सुनवाई करदा जी? कानून तां गरीबां वास्ते हुंदे ने, अमीरां वास्ते कानून नहीं हुंदे। जिन्हां दी सरकारे दरबारे चलदी होवे कानून उहनां दा कुछ नहीं बिगाड़ सकदे। कानून आम बंदे वास्ते, आम बंदा, आम बंदे दा कोई बच्चा गलत काम करदा फड़िया जावे, नशा वेचदा फड़िया जाए, रेप करदा फड़िया जाए, कई कई सालां वास्ते जेलां च धक्क दित्ता जांदा है। किसी आगू दा बच्चा, किसी मंत्री दा बच्चा, किसी सिर कढ़ दा बच्चा, कोई चाहे राजनीतिक होवे चाहे धार्मिक होवे, उहदा पुत्तर माड़ा काम करदा फड़िया जाए, चोरी करदा फड़िया जाए, बलात्कार करदा फड़िया जाए, कोई सुनवाई नहीं, क्योंकि जज खरीदिया जांदा है।
क्योंकि जज ते रोज रोटी खांदा आण के उत्थों वकील भी खरीदया जांदा है, वड्डे वड्डे पुलिस अफसर खरीदे जांदे ने, रिपोर्टां रातों रात चेंज कीतियां जांदियां ने। कानून आम बंदे वास्ते है, आम बंदे वास्ते सजा है, जिन्हां दी चलदी उन्हां वास्ते कादी सजा है। रहीम बख्श माशी है, बेचारा गरीब है, लोगों घर पानी ढोंदा है मुसलमान, पर जकरिया खान के दरबार च उहदी कोई सुनवाई नहीं हुई। लाहौर तो रोंदिया होया, गिड़गिड़ाउंदिया होया वापस आया, भिखी पिंड तो लंघदिया होया, जदों पट्टी पूगी, पट्टी दा रहण वाला सी, पट्टी दा जाफर बेग जिहड़ा है, पट्टी आउण तो पहला पिंड आउंदा है पूला, ते पिंड पूले आउंदिया आउंदिया रात पै गई। पुछिया रहीम बख्श ने भी इस पिंड विच कोई मैनूं रात अपने घर विच रहण दी जगह देवेगा? किसी ने दस्या भी हाँ इस पिंड विच इक नौजवान गभरू। हुण साडे नौजवानां दी पछाण वक्रे वक्रे किस्म दी, पर भाई तारू सिंह की पछाण किस करके बनी है? कहिंदे इक नौजवान गभरू इस पिंड विच बहुत निम्रता वाला ते बड़ा सेवा करन दी भावना वाला व्यक्ति इस पिंड विच रहिंदा, तू उहदे घर जा सकदा। रहीम बख्श सत्कारयोग भाई तारू सिंह दे घर पहुंचिया, ते सुभाविक गल है भाई तारू सिंह वर्गे योधे ने आउंदिया पहला जी आया आखिया, जल पानी छकाया, प्रसाद पानी छकाउण तो बाद पुछिया रहीम बख्श की गल है, चेहरे ते उदासी बड़ी है, तेरिया अखां उतरिया हुई ने, की गल है, चेहरे ते जलाल कोई नहीं, की गल है, कोई परेशानी है? हुण जिहड़ी फरियाद बादशाह दे दरबार च करनी सी, भाई तारू सिंह दे अगे आण के अपना दुख रो रहा है। भाई तारू सिंह नूं सारी विथिया दसी, मेरी धी 16 साल की सलीमा जिहनूं पट्टी का नवाब जाफर बेग जबरदस्ती चुक के लै गया, मैं इज्जत बचाउण वास्ते धी नूं छुड़ाउण वास्ते उहदे कोल वी गया, जकरिया खान को गया, किसे ने नहीं सुनी। भाई तारू सिंह जी कहण लगे कोई गल नहीं, प्रशादा छक, आराम कर, तेरी समस्या का हल आपां करदे आं। हुण भाई तारू सिंह का की काम सी? खेतां च वाही करनी है, मेहनत मजदूरी करनी है, घर विच इक भैण है, एक माँ है, जो मेहनत मजदूरी करदे ने, ते जिहड़े सिख आजादी की जंग लड़ रहे ने, जंगलां दे विच रातां कट रहे ने, उहनां नूं प्रसाद पानी का प्रबंध भाई तारू सिंह अपने परिवार वालों करदा है। भाई तारू सिंह दे खेतां दे विच कुछ सिख ठहरे हुए सन, भाई तारू सिंह रहीम बख्श नूं नाल लै के सिखां कोल गया, उन्हां नूं जाके विथिया दसी, आ जिहड़े सिखां नूं जरैम पेशा कौम दसदे ने ना, उह ध्यान नाल सुण लैण, किच सिखां दी कोई अपनी निजी स्वार्थ नहीं, मुसलमानां दी धी चुकी गई, चुकी भी मुसलमानां ने। सिख जदों किसे दी धी दी इज्जत बचाउंदा, यह नहीं वेखदा किसे हिंदू दी है, किसे सिख दी है, जां किसे ईसाई दी है, सिख केवल धी वेखदा है, सिख इज्जत वेखदा, वक्खरी गल है, बाकी लोगों नूं दिसदा है भी इह किसे सिख दी धी है, पर सिख इज्जत बचाउण वक्त यह नहीं वेखदा किसे मुसलमान दी है। जिहड़े कहिंदे ने सिखां दी लड़ाई मुसलमानां नाल सी, तुरकां नाल सी, आ घटना तो अपने आप पता लग जाएगा, सिख जुल्म दे विरुद्ध जंग लड़दा रहा है। जदों भी सिख दा हथ किसे शस्त्र ते जांदा है, वह जुल्म दे विरुद्ध लड़दा है, ना कि किसे एक फिरके ते अत्याचार करदा है। रहीम बख्श नूं नाल लैके सिखां कोल गया, जिहड़े सिखां ने सारी जिंदगी भाई तारू सिंह वर्गे योधियां दे कोलों प्रशादा पानी छकिया होवे, उहनां दे कोलों लै के कपड़े तन ते पहने होण, एक बार सुनदिया सारू ने कहा कोई गल नहीं रहीम बख्श, घबरा ना, तेरे घर की इज्जत तेरे घर पहुँचेगी। इन्हां गुरु के योधिया ने जाफर बेग दे उस महला ते हमला करके उन्हूं खत्म करके सलमा उस धी नूं वापस लिया के रहीम बख्श के हवाले किया। इतिहासकार तो यह भी लिखते ने भाई तारू सिंह वर्गे उस योधे ने सिखा की मदद के नाल उस सलीमा का डोला भी आप तोरिया। हुण अंदाजा लगा लो कि किसी की धी नूं बचाउणा ते उहदे विआह वास्ते मदद करनी, यह कोई जरैम पेशा कौम है, एक को जुलम है, एक को अत्याचार है। किसी की धी नूं बचाउणा बहुत वड्डा परोपकार है, ते अंदाजा लगा लो जिहदी धी बचाए होएगी वह अंदरों किन्नियां अरदासां करदा होएगा कि इहो जिहे सिख घर घर पैदा होण, इहो जिही सोच वाले इंसान बार बार जन्म लैण, जिहड़े किसी की इज्जत बचाउण लगे ऐ नहीं वेखदे किहड़े फिरके का बंदा है, किहड़ी जात ते किहड़ी कुल का बंदा है। हुण भाई तारू सिंह दे आखे ला के ये सारे योधियां ने धी नूं बचाया। एक खबर पहुंची जकरिया खान के दरबार में, आ गुनाह है जी भाई तारू सिंह का, जिन्हों का अज आप शहीदी पुरब मना रहे। जो आप अरदास करते हैं ना सिखां नूं सिखी दान केस दान, तो ध्यान जाता ना भाई तारू सिंह वल, फिर जो अरदास दा उपहरा पढ़ते हैं जिन्हां सिंघां सिंघणियां जिहड़ियां ने उह खोपरियां लवाईयां आर्यां नाल चिराए गए, हुण खोपरियां लवाईयां, जदों खोपरी का ध्यान आउंदा तो एकदम भाई तारू सिंह दे चरणां वल ध्यान जाता कि खोपरी उस योधे की उतारी गई सी। ते गुनाह की आ गुनाह सी, धी की इज्जत बचाई, खबर पहुंची, तो पहुंचाने वाला कौन सी?
मंडियाली का रहने वाला जिन्हों अज जंडियाला कहते हैं, जिन्हों जंडियाला गुरु करके भी कहा जाता, असल च यह हर भगत निरंजनी उतों का रहने वाला सी, दादे परदादे सी। यह बंदा 52 मुकबर सन यकरिया खान के, अपने मुकबर टाउट टाउट होंगे ने, मुकबर होंगे ने, वह रेंदे संसार वेच ने, पर संसार की निकी निकी रिपोर्ट जी ना वो सरकारां नूं दिंदे रहिंदे, इह टौटी करनी उन्हां दा आम काम दा। जकरिया खान दे 52 टाउट सन, मुकबर सन, जो रेंदे लोकां च सी, पर निकी निकी खबर जकरिया खान दे दरबार दिंदे सन। कहण लगे जकरिया खान ने पुछिया है हर भगत निरंजनीए नूं भी इह जाफर बेग नूं किहने मारिया। कहण लगे जी सिखां ने। जदों सिखां दा नां सुणिया ते जकरिया खान कहिंदा मैनूं ते पता लगा वी सिख ते रिहा ही कोई नहीं, सिख तो खत्म कर दिए गए ने, ना उन्हों का घर रहा, ना कोई घाट रहा, उन्होंने धार्मिक अस्थाना से भी अपने कब्जे हो गए, फिर ये कौन ने जी? सिख ने अजे टावें टावें बचे ने, यह हर भगत निरंजनिया कहता। कहते फिर जे टावें टावें बचे रेंदे किथे? कहते जंगलों में खाते की ने? कहते जी जो मिल जाए, पर कुछ कुछ सिख वाही ज्योति करके उन्हों की मदद भी करते। कहते मैनू दस वो कौन ने? कहते उन्होंने टावें टावें सिखा चो एक सिख भाई तारू सिंह है, जिन्हें रहीम बख्श की धी नूं जाफर बेग दे कोलों छुड़वाया है। हुण ध्यान नाल सुनना भागां वाले, तारीफ वो हुंदी है जिहड़ी दुश्मन करे। अपने बच्चे दे विच 36 औगण होण ना, माँ कदी नहीं उहनूं औगणां नूं चितारदी। माँ कहिंदी मेरे पुत वर्गे ते गोणी किसे कोल नहीं हैगे, पर असली तारीफ पता किहड़ी हुंदी वडियाई? जिहड़ी दुनिया दे लोक करन भी इस पुत वर्गा पुत कोई नहीं, इस धी वर्गी धी कोई नहीं। सिख उह कौम सी जिन्हां दी तारीफ दुश्मन करदा सी, वह वडियाउंदा सी, वक्री गल है, वह गुण समा पा के गवाच गए। दरबार में बैठे हैं जकरिया खान ने पूछा, कहन लगे कौन ने? ते पंथ प्रकाश विच रतन सिंह जी भंगू का जो लिखिया होया वह पहरा है, वह मैं तुहाडे नाल सांझा करना चाहना कि हर भगत निरंजनिया दस रहा है ते जकरिया खान सुन रहा है भाई तारू सिंह दे परिवार की हिस्टरी। उत्ते लिखिया हर भगत निरंजनिए यो फिर कही पूलो पिंड एक माझे अही। एक पूला पिंड है माझे की धरती ते, तारू सिंह तैं खेती करे। उस पिंड विच एक तारू सिंह नां दा बंदा जिहड़ा खेती करदा है, मेहनत मजदूरी करदा है। तारू सिंह तैं खेती करे, साथ पिंड वै पैसे भरे। मेहनत करदा पर अपना मामला टैक्स सरकार का जिन्ना बनता वह भी तरदा। दे हाकम, हाकम मीनिंग सरकार का जो टैक्स बनता ना वह भी पूरा तरदा, ईमानदार पूरा। दे हाकम कच थोड़ा खावे, बचे सिंगन के पास पहुँचावे। जिहड़ा बाकी बचदा ना वह अपने भरा सिखां की मदद करता, ये दस रहा निरंजनिया जकरिया खान के दरबार च। कहिंदे परिवार च कौन कौन है पिछे? है उसते एक भैण यार माई, उहदे घर विच एक भैण है ते एक माता है। भैण जिहदा नां तारू है, पुराना समा ऐसा हुंदा सी जो भरा दा नां होणा उहो ही भैण दा नां होणा, जिवें गुरु नानक साहिब दा नां नानक है, भैण दा नां नानकी है। भाई तारू सिंह दा नां जिवें तारू सिंह है, भैण दा नां तारू है। आम रिवाज हुंदा सी, वक्री गल हुण समा पा के सभ्यता दे नाल साढ़े नावों में भी तब्दीली आने लग पी। हुण ते नाम लिखे आता पता लगता है लड़की का ना है कि लड़के का ना है, क्योंकि असी कौर भी उड़ाता तो सिंह भी लफ्ज अपने नावों नालों ला दिता है, फैशन चल पिया है ना। वैसे जे इहदा पिछोकड़ पढ़ो तो बड़ा गौरवमई है। खैर, है उसते एक भैण यार माई, पीस कूट वै करें कमाई। एक विधवा भैण है जिहदे सिर दा साईं चढ़ाई कर गया है। सारी दिहाड़ी भाई तारू सिंह खेतां च मेहनत मजदूरी करदे ने, ते पिछे भैण ते मां घर विच आटा तैयार करदे ने, अपने हत्थी कणक दा आटा तैयार करदे ने, वाण वड़दे ने, मेहनत मजदूरी करदे ने, सारी दिहाड़ी मेहनत करदे ने। है उसते एक भैण यार माई, पीस कूट वै करें कमाई। आप खाए वै रुखी मिसी, आप ते रुखी मिसी खा छड़दे ने। मोटा पैर आप रै लिसी, अपना आप ते सधारण कपड़ा पा के जीवन गुजारदे ने, पर की करदे ने? जो बचै सो सिंगन देवै, ओए बिन सिंगन और ना सेवै।
वो सिखां तो बिना किसी होर की सेवा नहीं करते, जड़े उन्हां बदले आजादी की जंग लड़ रहे हैं। ओए बिन सिंगन और ना सेवै, कहिंदा उन्हां दा धर्म कर्म की है, बाग सलात सुन मुंदे काना, वो को नमाज नहीं पढ़ते, वो किसी पीर दे रोट नहीं चढ़ाते, वो कितने सीरनी नहीं वंडते, भाव किसी कबर की पूजा नहीं करते। अज भाई तारू सिंह दे वारस खवाण वाले जदे अपने मना झात पा के वेखण, जिन्नियां कबर असी लोकां पक्कियां कराइयां शायद किसी होर ने नहीं कराइया होनियां। कबर ते चादरां चढ़ाउण साडे धार्मिक ते सियासी आगू आप जांदे ने सिर्फ वोटां वास्ते। कभी सोच के वेखो, इत्थे दुश्मन तारीफ करदा कि भाई तारू सिंह दा परिवार किसी पीर दे जाके सीरनी नहीं चढ़ाउंदे, वो कोई रोट नहीं चढ़ाउंदे, रोट सीरनी पीर ना खान। कहन लगे फिर उन्होंने घर की मर्यादा की, कहिंदे शब्द चौंकी गुरे अपने की करे, अपने गुरु की शब्द चौंकी भरते ने, सो मरने ते नैक ना डरे, मरने तो डरते नहीं, पता नहीं केड़ा शब्द पढ़ते, केड़ी बाणी पढ़ते, केड़ी सिक्ख्या पढ़ते, मौत ते उन्होंने लागे छागे भी नहीं, मौत तो नहीं डरते, मौत ना की चीज उन्होंने कोल नहीं, सो मरने ते नैक ना डरे, गंगा जमना निकट ना जावे, वो किसे गंगा जमना ते जाके स्नान नहीं करते। की करते फिर, अपने गुर की छपड़ी नावे। दरबार साहब के सरोवर नूं ज्ञानी रतन सिंह जी पंगू लिखते ने, जकरिया खान के दरबार च जिहड़ा नरंजनिया है, वह कहिंदा अपने गुरु के छप्पड़ च स्नान करते, छपड़ी नावे, दरबार साहब के सरोवर नूं इंज लिखिया, भाव अपने गुरु के सरोवर नूं सब तो उत्तम मानते ने, इस तों सवाए होर किसे ते विश्वास नहीं। गंगा जमना निकट ना जावे, अपने गुर की छपड़ी नावे। कह लगे जगन्नाथ को टुंडा आखे, जेड़े लोग जगन्नाथ के चरनी जाके डिगदे ने, भाई तारू सिंह का परिवार टुंडा कह के संबोधन करते ने। राम कृष्ण को जाप ना भाखे, भाई तारू सिंह का परिवार राम कृष्ण का जाप नहीं करता, रब का जाप करते, मालक की इबादत करते ने, मालक की बंदगी करते ने। आ सारियां गल्लां सुनिया ते भाई तारू सिंह नूं अरैसट किया गया। कोई गुनाह नहीं सी, केवल सिखां नूं प्रसाद पानी छकाउणा, मदद करनी। हुण सोचना जरूर, जिन्हां जिन्हां नूं भाई तारू सिंह ने प्रसादा छकाया, कपड़ा दिता, लोड़ पैण ते कौम दे काम आए, पर जिन्हां दी अज असी लोक मदद करदे आ, मोटियां मोटियां गराइयां दिंदे आ, कणकां दीआं बोरियां चुका दिंदे आ, जिदन कौम ते भीड़ा पैंदी है पता नहीं किहड़ियां भोरियां च वर जांदे ने, पता नहीं धरती निकल जाती है, लभदे नहीं मुड़ के, बाद विच भी वो संसार ते जिहड़े धर्म की गल करन वाले कित्थे चले गए। भाई तारू सिंह ने जिन्हां की सेवा की, लोड़ पई ते अपना आप उन्हां योध्यां वार दिता। अखीर समा आया, भाई तारू सिंह नूं शहादत का जाम पीना पिया। इतिहासकार लिखते ने, किसी ने कुछ लिखिया भी उन्हां दीआं केस जिहड़े लोहे दीआं तारां बन गए पागां वाले, गल असल च इह सी, भाई तारू सिंह दा विश्वास लोहे वर्गा पक्का सी। जकरिया खान कहिंदा, जिहड़ी सिखी ते तू माण करदा ना तारू सिंह, यह मैं सिखी नूं मिट्टी विच रोल देवांगा। लालच दिते गए, डरावे दिते गए, भाई तारू सिंह डोले नहीं, 25 साल की उम्र है, डोले नहीं। काजी फतवा पढ़दा, वह कहिंदे जिहड़ी सिखी ते माण, इन्हां नूं अपने केसां ते माण है ना। कहि लगे ऐ हिसाब ने इन्हां दे केस कट्टो ते दुबारा उगण ही ना। हुण आप जी नूं पता, जे केस कट्टे जाण तो फिर दोबारा धरती फिर दोबारा उग सकते हैं, फिर दोबारा पैदा हो सकते हैं। कीता की गया कि खोपर उतारिया गया, भी भाव के दोबारा केस रहन ही ना इन्हां दे सिर दे उत्ते। हुण अंदाजा लगा लो कि भाई तारू सिंह वर्गे योधे नूं सिखी प्यारी है, सिद्धांत प्यारा, विचार प्यारे ने, पर अज उही केस सिर दे उत्ते हुंदे ने जदों नाई की दुकान ते साडा भरा जां साडी भैण, भाई तारू सिंह की भैण खवाउण वाली साडी अजोकी भैण, आप जाके ब्यूटी पार्लर दीआं दुकानां ते अपने अखां तों प्रवट्टे कटाए जांदे ने। कदी सोचिया है कित्थे चले गए? वारस असीं भाई तारू सिंह दे खवाउणा चाहुंदे हां, पर सानूं उह सिखी सिद्धांत अज प्यारा नहीं रहा, वह विचार प्यारे नहीं रहे। भाई याद रखना, पागां वालिओ, जिहड़े अरदास दे बोल ने ना, सिखी केसां सुवासां संग निभाई, केसां सुवासां संग, जिन्नी देर तक सुवास सन सिख ने रोम अपने तन तो जुदा नहीं होने दिते। हाँ, जदों सुवास ही नहीं रहे, जिथे बाकी शरीर के अंग सड़े उत्थे केस भी सड़ गए। सिख का इन्ना संबंध सी, पर समा पा के प्यार विच साडे फिक पैंदा गया। अज भाई तारू सिंह का शहीदी पुरब है, योधा खोपर उतरवा के कई दिन तसीहे चलन तो बाद
1745 जुलाई के महीने में शहादत का जाम पी गया, पर सिखी दे विच इतिहास विच गूढ़े अखरां च अपना नाम लिखा गया। मैं समझदा अज दे इस इतिहासक दिन तो कोई मेरा भरा, कोई भैन, कोई बुजुर्ग जे भटकिया कुराए पिया वापस आ जाए, मैं समझांगा भाई तारू सिंह का मनाया होया शहीदी पुरब साडा सफला हो जाएगा, असी कुछ सिख पावांगे। ये उन्हां योध्यां दीआं कुरबानियां ने जिन्हां ने सिखी सिधान ते पहरा दिंदिआं होइआं, गुनाह कोई नहीं किसी धी भैन की इज्जत बचाई, पर अपना आप कुरबान करना पिया उस योधे नूं। पर जदों सिखां दा रूप इस देश विच जां किते वी पेश कीता जांदा है, बहुत भयंकर पेश कीता जांदा है, जां ते फिल्मां विच मजाकिया तौर ते पेश कीता जांदा है, जां बड़ा खूंखार ते जालम रूप पेश कीता जांदा है, बिल्कुल नहीं। सिख हमेशा ही गुरु की विचार लैके जुल्म के विरुद्ध अपने जीवन के लड़ते तो जूझते रहने। गुरु कृपा करे, बौड़ी करे मालक, जिहड़ी असी सतगुरु की विचार नूं जिंदगी का आधार बना के समाज के वधिया जिहड़ी है समाज की बनतर नूं लिहा सकीए, ये सोच साड़ी बन सके।